हमें 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 गिराया गया, हम फिर खड़े हो गए। हमें छोटा बताकर क्या वो बड़े हो गए। हम चलते हैं ताऊ की तरह संघर्ष के रास्ते पर। साथियों, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 106वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रोहतक की चौधरी देवीलाल की संघर्ष की कर्म भूमि के मेला ग्राउंड पर आज मौजूद बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में मौजूद रैली की व्यवस्था को दिन रात देखने वाले आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ इस संगठन को इस मजबूती से यहां पर पहुंचाने वाले राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ जी, बहुत ही आदरणीय हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष अनंत राम तंवर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे मंच पर मौजूद पूर्व में रहे स्पीकर अनुशासन समिति के अध्यक्ष कादयान साहब, नारनौंद के हमारे प्रत्याशी उपाध्यक्ष दादा राम कुमार गौतम जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री हतीन से हमारे प्रत्याशी आदरणीय हर्ष कुमार जी, बहुत ही आदरणीय हमारी बुआ कुमारी फूलवती जी, हमारे मंच पर बैठे इस पार्टी के जन्म से लेकर आज तक साथ चलने वाले चारों विधायक, मेरी माताजी आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी, भाई राजदीप फोगाट जी, भाई अनूप जी, पृथ्वी नंबरदार जी, महिला अध्यक्ष शीला भान जी, एसी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, इस रैली के सह आयोजक रोहतक जिला के हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव बहुत ही आदरणीय सुहाग साहब, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय प्रदेश और जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और इस रोहतक के खचाखच भरे मैदान में आए जननायक जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी समर्पित कार्यकर्ता साथियों, आज से 11 महीने और 13 दिन पहले यहां से सही 72 किलोमीटर दूर जींद के पांडु पिंडारा मैदान से हमने मिलकर एक शुरुआत करी थी। और साथियों, उस शुरुआत के अंदर बड़ी कठिनाइयां आई, बड़े नए लोगों ने आकर साथ दिया और आज उसका नतीजा है कि जिस मैदान में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया, जिस मैदान में आज से 14 दिन पहले प्रधानमंत्री अपना दम दिखाना चाह रहे थे, मैं पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि नजर घुमाकर देख लो और फैसला आपके हाथ में है। आज जनता बदलाव चाहती है और साथियों, उस बदलाव के लिए अगले 29 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। कल इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर
तो चुनाव की तारीख के तौर पर तय करने का काम किया है और आज से 29 दिन बाद आपके बीच में हरियाणा के भविष्य के लिए चुनाव होंगे। आपका एक एक वोट हरियाणा के भविष्य के लिए आप डालने का काम करोगे। मैं तो आपको आज इतना कह सकता हूं, पार्टी का प्रयास रहेगा, संगठन का प्रयास रहेगा कि एक एक साथी जिसने आज तक हमारे साथ खड़े होकर संघर्ष करने का काम किया है, पार्टी उसको उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच में भेजने का काम करे। मगर साथियों, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं। कल परसों जब मैं उनसे मिलकर आया तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह संदेश आपके बीच में भेजा है कि मैं मेरे संघर्ष के एक एक साथी से जिनने पिछले 40 साल दिन रात एक मेरे साथ संघर्ष करने का काम किया है, उससे आग्रह करूंगा कि इस चुनाव में उम्मीदवार कोई भी आपके बीच में पार्टी का सिंबल लेकर आए, अगर वो मेरी उम्र का है तो उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझकर, अगर वो महिला है तो उसको श्रीमती नैना चौटाला समझकर, और अगर युवा है तो उसको दुष्यंत दिग्विजय समझकर अपने वोट को डालने का काम करे। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे है कि आज आपके सामने दो राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेगी। एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है जिसका केंद्र में क्या हाल हुआ उसका आपको पता है, और आगामी विधानसभा में भी इनकी हालात इससे बदतर होने वाली है। अभी तो टिकटें बंटने दो, किस तरीके से ये पहले लड़ते थे उससे बुरी तरीके से इनको लड़ता हुआ आपको दिखाऊंगा। और उसके सामने जहां दूसरे दल की बात है, साथियों, कांग्रेस के सामने जो दूसरा दल राष्ट्रीय लेवल का आपके मुकाबले में है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री ने इस यात्रा में जो आशीर्वाद के नाम पर प्रदेश में चलाई थी, सरकारी खजाने से लटकाने का काम किया। इस मैदान में टेंट लगाया गया, पांच पांच ऐसे पंडाल बनाए गए, साथियों करोड़ों रुपया उस पर बर्बाद किया गया। मगर मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मैं बंपर नौकरियां दूंगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश की सुरक्षा करूंगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश के अंदर भय का माहौल हटाने का काम करूंगा, पांच साल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर रहे और पांच साल के अंदर साथियों 80 लोगों की सरकारी गोली से जान लेने का काम किया। पांच साल के अंदर चार बार इस प्रदेश को जो हरा भरा प्रदेश था जलाने का काम किया। साथियों, पांच साल के अंदर लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। आज इनके पास, बीजेपी वालों के पास दो ताकतें हैं। एक ताकत है मनी पावर, पैसे की ताकत। साथियों, ये तो सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लिखित में माना है कि हमने 1,000 करोड़ रुपया चंदे के तौर पर वसूल किया। साथियों, 1,000 करोड़ रुपया तो हम सब मिलकर अपनी जमीनें बेचकर भी करें तो भी शायद पूरा नहीं कर सकते, तो इनकी पैसे की ताकत के आगे तो आप नहीं लड़ पाओगे। और दूसरी ताकत है इनकी मीडिया की ताकत। साथियों, 6 प्रदेशों में बाढ़ आई, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, मगर उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। साथियों, हमारे पड़ोस दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, रातों रात उसको जगह से हटा गायब कर दिया गया, मगर एक खबर भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली। साथियों, आप खुद उठाकर देखो आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है। दिन प्रतिदिन हजारों युवा बेरोजगार हो रहे, आज धंधे बंद हो रहे हैं लोगों के, मगर क्या कोई टीवी पे उसका प्रचार दिखता है? मगर टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के जप्पी पा लेगा, मोदी तो न्यू कर लेगा। मगर एक चीज बता दूं, ये समझने की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो खिंचाने का रह जाएगा, अगर करता मोदी
तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था, बताओ हरियाणा के लिए के दे के गया? के हरियाणा के बालकों की नौकरियों का वादा कर कर गया? क्या हरियाणा जो अपराध के नाम तौर पर आज प्रदेश नहीं देश के अंदर चौथे नंबर पर आता है, क्या यहाँ हमारी माताओं बहनों की व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा के गया? पर एक चीज जो 5 साल पार्लियामेंट में भी रहकर देख ली और भाई 3 महीने पार्लियामेंट से बाहर हो लिए, इसके दौरान भी देखी है कि एक चीज के आगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, और वो चीज है मोदी की फोटो की ताकत के आगे। मगर साथियों एक चीज समझने की है, जो आज हालात देश के, ये बीजेपी 303 सांसद लेके ऊपर गई और हरियाणा में नारा दे दिया 75 पार करेंगे। साथियों इनको याद दिला दो कि 1984 के अंदर जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 411 सांसद कांग्रेस के जीत के आए थे और हरियाणा में नारा दिया जाता था कि भाई एक सीट भी विपक्ष की नहीं छोड़ेंगे, ये नारा दिया गया था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है, बहन कुमारी फूलवती जी बैठी है, ये तो पहली पदयात्रा जो चौधरी देवीलाल जी ने करी थी, शायद उस समय 16 साल की उम्र की थी, तब चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर दिल्ली तक उनके साथ गई थी। साथियों इनने वो दौर देखा है जब लोग डरा करते थे, क्योंकि टीवी पे इतने चैनल नहीं हुआ करते थे, केवल मात्र दूरदर्शन और रेडियो में प्रसार भारती होता था। उस समय ये बातें जन जन तक पहुंचाने का किसने काम किया? साथियों जो तीसरी ताकत है, जो बीजेपी के पास नहीं है, आपके पास है, वो कार्यकर्ताओं की शक्ति, मैन पावर है। इस बीजेपी की मनी पावर, मीडिया पावर के आगे अपनी मैन पावर दिखाने का काम करो। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष जगरूप सिंह जी बैठे हैं। जब मैं पहली बार प्रचार में गया और मेरे को मिले, तो मैंने पूछा, प्रधान जी आपने राजनीति में कार्यकर्ता के बतौर कैसे काम किया? कहता, पुत्र मेरी तो एक गल थी कि चौधरी देवीलाल दा चुनाव सी रोड़ी च, और मैं गड्डी लेके बुनियादी करदा सी और शाम नू पोस्टर लांदा थी। साथियों ये मैन पावर थी जो 1987 में बुनियादी और पोस्टरों से हर मोर चौक तक, हर घर तक पार्टी का प्रचार कर कर आई थी। और आज भी आपसे आग्रह करता हूँ कि उस मैन पावर, मनी, उस मीडिया पावर और मनी पावर के आगे आज आपकी जरूरत है कि घर घर जाओ, एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचा कर आने का काम करो। और आप देखना, जो खट्टर साहब ने, जो हुड्डा साहब ने 15 साल जो चंडीगढ़ के ताले बंद करके रखे किसान कमेरे के लिए, आपकी चाबी उन ताड़ों को खोलकर सेक्रेटरीट की चौथी मंजिल पर जाने का अधिकार देगी। साथियों एक बहुत जरूरी चीज है, और मैं इतिहास से उस चीज को देखता आया हूं कि जनता का जुड़ाव कैसे होता है। मैंने अभी हफ्ता पहले बहादुरगढ़ के कानोंदा गांव में एक सभा के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक में जाने का मौका मिला, और वहां पर स्वर्गीय रणधीर नंबरदार जी की धर्मपत्नी मेरे पास आई और आकर अपने हाथ से एक 2000 का नोट देगी और कह के गई कि बेटा तूने कहा था कि एक वोट और एक नोट के साथ संगठन में अपना सहयोग करने का काम करो। साथियों हमारे पास कोई पूंजीपति विधायक के उम्मीदवार नहीं, आप सोचो कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग हम ले आएंगे। आज अनूप जी को देख लो, पृथ्वी जी को देख लो, राजदीप जी को देख लो, ये आम घर से थे, मगर इनने डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष किया और इनको जनता ने साथ देकर विधानसभा तक भेजने का काम किया। आज चाहे श्याम सुंदर सबरवाल हो, आज ऐसी सीट पे जनरल साथियों की जिम्मेवारी बनती है कि आर्थिक तौर पर उसकी मदद करो। आज मैं कमलेश सैनी जी की बात करूं तो एक गृहिणी वो है। आज मैं बात करूं रमेश पालड़ी जी की, भाई उसने पालड़ी बोलना छोड़ दो, उसको पालड़ी या यादव होने के नाते टिकट नहीं मिली, आज रमेश जी को टिकट पार्टी ने दी है तो एक फौजी होने के नाते दी है। साथियों एक रिटायर्ड फौजी की हैसियत नहीं होगी कि वो चुनावी मैदान में लड़ने का काम करेगा। और हमारे तो हरियाणा प्रदेश का इतिहास है, अग्रवाल समाज ने जब अग्रोहा बसाने का काम किया, मेरी लोकसभा का हिस्सा है इसलिए इतिहास मेरे को याद है,
साथियों, उस अग्रवाल धाम को जब बनाया गया तो एक मुहिम चलाएगी अग्रवाल समाज के और गांव के लोगों के बीच में कि हमें हमारे इस धाम को बनाने के लिए सहयोग चाहिए। मगर सहयोग कोई मोटा नहीं मांगा कि 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। उस समय एक बात कही गई कि 1 रुपए का नोट और 1 ईंट के साथ इस धाम को सबके सहयोग से हम बनाने का काम करेंगे। और आज भी जाकर अग्रवा में देख के आओ, वो पुराना 1 रुपए का नोट और छोटी छोटी जो ईंटें उस समय यूज होती थी आज भी उस धाम में पड़ी है। साथियों, 1987 वाला चुनाव था, चौधरी देवीलाल के पास कोई पैसों की गठड़िया नहीं थी। उनने नारा दिया था भी 1 वोट और 1 नोट के साथ अपने हर उम्मीदवार का साथ देने का काम करो। और मैं निवेदन करूंगा कि आज मौका है अपने उस वोट की नोट की ताकत को दिखाने का। साथियों, आज मौका है अपनी शक्ति को दिखाने का। एक चीज जो पिछले 3 महीने से कहीं ना कहीं पत्रकार साथी भी बारी बारी ले आते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार तो हरियाणा का चुनाव 370 पे लड़ा जाएगा। साथियों, 370 का हम सलाम करते हैं कि उसको हटाया, क्योंकि अगर सबसे पीड़ित कोई प्रदेश था 370 की वजह से तो हरियाणा प्रदेश था। साथियों, आज किसी गांव में चले जाओ, शहीदों की मूर्तियां खड़ी। आज हरियाणा की धरती पर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका लाल हमारे बॉर्डर पर शहीद ना हुआ हो। साथियों, आज तो हमें जरूरत है कि देश की सरकार जो 370 हटाने की बात करती है, इस सरकार को तब मानेंगे जब ये सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश के लालों का खून बहने से बंद कराने का काम करेगी। आज भी आतंकवाद का अड्डा जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो कागजों में आज हमारा है, पीओके अभी बाकी है। साथियों, एक एक हरियाणवी आज इस सरकार के साथ खड़ा होगा। एक एक बेटा जो बॉर्डर पर फौजी बनकर खड़ा है, वो इस सरकार के मोदी जी के साथ खड़ा होगा जब ये सरकार पाकिस्तान के पीओके को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम करेगी। साथियों, एक चीज जरूर हमें समझनी है कि आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति हो, अशोक लीलैंड हो, हीरो हो, होंडा हो, कोई कंपनी देख लो, ब्रिटेनिया ने तो एक आर्टिकल ये दिया कि हमारे 5 रुपए का बिस्किट पार्ले जी वाला भी बिकना कम हो गया। ऐसी हालात प्रदेश और देश की है। इस अर्थव्यवस्था की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। आज तो इनके मंत्री संतरी कहते हैं कि गाड़ियां न्यू नहीं बिक्री कि टैक्सियां चलने लगी। आप मुझे बताओ कि सरकार की सोच इसका मतलब ये होगी कि कोई गरीब बच्चा टैक्सी चलाता है तो उससे टैक्सी चलाने का भी अधिकार छीन लो कि प्राइवेट गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये टैक्सी चलाने वाले अगर साधन की वजह से रोकते हैं तो इस सरकार से पूछना चाहूंगा, ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, कटे चलान नहीं कटे बता दो। मैं तो देख रहा था फतेहाबाद के अंदर एक ट्रैक्टर का 57,000 का चलान कटा, गुड़गामा में 67,000 का और फरीदाबाद में 71,000 का। साथियों, मुझे वो दिन याद आ गया जब इस ट्रैक्टर को कमर्शियल किया जा रहा था और आप लोगों के हौसले से वो ताकत मिली और पार्लियामेंट के अंदर उस ट्रैक्टर को बाड़ के वापस गाड़ा बनाने का काम किया। मगर साथियों, आज दुख होता है कि ऐसे सांसद पार्लियामेंट में चुन कर गए जिनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं है पार्टी हाईकमांड के आगे कि इस गाड़े ने तो बख्श दो। अभी निशांत सिंह जी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल का चलान काट दिया। साथियों, 20,000 के मोटरसाइकिल सेकंड हैंड पे 25,000 की रसीद कटानी पड़ जाए तो आदमी बाड़ेगा नहीं उस मोटरसाइकिल को, तो के करेगा। आप खुद सोचो कि 25,000 के मोटरसाइकिल के चलान कट रहे। पिछले दिनों एक ट्रांसपोर्टर आया, उसने अपना चलान दिखाया कि मेरे ट्रक का चलान 1,21,000 रुपए का कटा। साथियों, इसका मतलब तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के अंदर जो गिरावट आई है उसकी भरपाई भी आम आदमी से लेनी शुरू कर दी। ये चलान भी हमारे ऊपर एक नए तरह का कर लगाने का काम किया है। और साथियों, अगर ये लोग सत्ता में रहे तो ये गारंटी है कि मैंने बुलंदशहर की एक न्यूज पढ़ी थी जहां पर एक बैलगाड़ी पे
1000 रुपए का चालान काट दिया गया। फिर वो समय भी दूर नहीं कि अपने वर्ग के कोई मानस सड़क पे चप्पल पहन के घूम रहे होंगे तो उसका भी ये बीजेपी वाले चालान कटाने का काम करेंगे। साथियों, ये वादा मैं करता हूँ कि जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते सार इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में पूरी तौर पर समाप्त करने का काम करेंगे। मैं तो खट्टर साहब के बारे में भाषण पे तो ज्यादा ना कहूं, 4 लाइनें लिख के लाया था, आराम से सुन लियो। खट्टर साहब, ये आपको समर्पित करता हूं। 80 में से 78 भार वालों को रोजगार, फिर भी हौसले से कहते हो 75 पार। फरसे से गर्दन पर वार, फिर भी कहते हो 75 पार। पीएचडी पास को लगा दिया चौकीदार, फिर भी कहते हो 75 पार। 80 लोगों को गोलियों से दिया मार, फिर भी कहते हो 75 पार। साथियों, 29 दिन रह गए, हो जाओ तैयार, इब के भाजपा ने कर दे हरियाणा ते बाहर। क्योंकि साथियों, चुनाव शुरू हो गया और कल जितने पत्रकार साथी मेरे को मिले और कहने लगे कि घोषणा पत्र कब बुलाओगे, मैंने कहा रात रात तो डट जाओ, आज कुछ ना कुछ चौधरी देवीलाल की याद में तो दे के जाना पड़ेगा। साथियों, मैं आप सबसे अपील निवेदन करता कि पार्टी की 11 मुख्य घोषणाएं थी, उनको घर घर तक आपने 11 महीनों में पहुंचाया, मगर आज जहां प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात है और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, उनके 106वें सम्मान दिवस के उपलक्ष में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आज मैं ये वादा करता हूं कि जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने गरीब बेटियों के कन्यादान स्कीम के अंदर 5100 रुपए की घोषणा करी थी, आज चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर हम ये घोषणा करते हैं कि हर मारे बुढ़े बुढ़िया को घर बैठे बैंक में जाने की जरूरत नहीं, 5100 रुपए पेंशन के तौर पर देने का काम करेंगे। साथियों, आज कैंसर जैसी, काले पीलिए जैसी बीमारियां घर घर परिवार परिवार तक पहुंच चुकी है। मैं जब जब मेरे सांसद के कार्यकाल के अंदर गांव में गया तो कोई ना कोई फाइल लेके आता था कि भाई कैंसर के इलाज के लिए प्रधानमंत्री के फंड से पीछे दिला दो। हम फाइलें भेजते थे, 2.5-3 करोड़ रुपए की मदद प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी हमने बांटी। मैं डवाली गया पिछले दिनों तो विधायिका जी ने भी 10-10 हजार रुपए, जो विधायकों को 15 लाख रुपए और पहले 3 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके अंदर से कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए दिए। मगर आज कैंसर का इलाज चाहे कीमोथेरेपी हो चाहे पेट स्कैन हो, एक आम आदमी के बस की बात नहीं। और हमारे यहाँ से राजीव गांधी, मेदांता, अपोलो में जाने की हिम्मत शायद आम गरीब आदमी की नहीं। ये वादा आज चौधरी देवीलाल जी के 106वें सम्मान दिवस पर करते हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो कालिया पीलिया हो, साथियों आपका राज बढ़ने पर हर गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में करवाने का काम सरकार करेगी। एक बात श्रीमती नैना चौटाला जी ने अभी आपके बीच में रखी और बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों मैं जन चौपाल के माध्यम से जब मैम में रात को रोए सोया बहु गांव में, तो अगले दिन पहला प्रोग्राम मोखरे में था और मोखरे के अंदर ताई इंद्रो आई और चेक करवा लियो भाई सही नाम है, इंद्रो ही था। ताई इंद्रो आई और मेरे सिर पे हाथ रख के कहती, बेटा इन ठेके का कुछ कर दे। मैं के बात होगी ताई, क्या 4 दिन पहले पेंशन आई थी 2000, तेरा ताऊ सारी पी गया। साथियों,
आज गांव के अंदर खास तौर पर हमारी महिलाएं परेशान, और ये परेशानी का जन्मदाता अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। ये हुड्डा साहब की सरकार में गांव गांव में ठेके खोले गए थे, और खट्टर साहब बारी बारी वादा करते रहे भाई ठेके लाल डोरे से बाहर कर दूंगा, ठेके 500 मीटर गांव से दूर कर दूंगा। साथ ये वादा हम करते हैं कि जेजेपी का राज बना दो, इन गांव से दूर कर दूंगा ठेका, ने गांवों के आसपास भी नहीं मंडराने दूंगा। एक चीज मैं जरूर युवा साथियों के लिए बोलना चाहूंगा, आज क्लर्क के पेपर है, 3 दिन लगातार परीक्षाएं चली। कल मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई कि महेंद्रगढ़ जिले से 24,000 बच्चों ने क्लर्क के फॉर्म भरे। साथियों, एक गरीब बच्चा 1,000-1,200 का फॉर्म भरता है, उस पर कितना आर्थिक दबाव, नौकरी मिलना ना मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस फॉर्म की फीस को देख के आधे फॉर्मों को भरना छोड़ देते हैं बच्चे। हमने ये निर्णय लिया कि गरीब बच्चे नहीं, हरियाणा प्रदेश में कोई भी बच्चा नौकरी भरना चाहेगा भाई साल की एक मुश्त 100 रुपए की फीस भर दियो, उससे ज्यादा फीस भरने की फॉर्म में जरूरत नहीं। और जहां अभी मैं आ रहा था, जब देखा बस में छोरे जा रहे थे, छोरियां यूं लटकी लटकी पेपर देने बस में जा रही थी, और हैरानी की बात है पलवल वालों को यमुनानगर भेज दिया, यमुनानगर वालों को मेवात भेज दिया, सिरसा वालों को बहादुरगढ़ सेंटर दे दिया, और रोहतक वालों को फरीदाबाद दे दिया। इस व्यवस्था के लिए मैंने 9 दिसंबर को भी एक बात कही थी, और आज भी कहकर जाता हूं कि साथियों, युवा को नहीं घूमना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि पेपर स्थान की सुरक्षा करे। और उसके लिए अगर उनके संशय है कि टीचर चीटिंग करवाता है, तो टीचर का जिला हम बदलने का काम करेंगे, मगर ये वादा है युवा अपने गृह जिले से बाहर पेपर देने नहीं जाएगा। एक चीज और जो संगठन के तमाम साथियों ने सुझाव के तौर पर भी दी थी, और उसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से समझने का देखने का काम किया कि भाई शहर में रहने ये बच्चों को फायदा के, कॉलेज जाने के लिए 15 मिनट मोटरसाइकिल पर स्कूटी पर, कॉलेज के आने से 15 मिनट में घर पहुंच जाता है, और गांव के बच्चे की के हालात, सुबह बस में टंगेगा 2 घंटे में शहर आएगा पढ़ने, और दोपहर में बस में टंगेगा सामने घर पहुंचेगा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बच्चों की व्यवस्था की जो पढ़ाई के अंदर मुकाबले के कंपटीशन में आने के अंदर लगने चाहिए वो सिर्फ बस के सफर में निकल जाते हैं। और गांव का बच्चा इसलिए दिन प्रतिदिन पिछड़ता जाता है, गांव के बच्चे के अधिकार इसलिए दिन प्रतिदिन कम हो जाते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि आपका राज बढ़ने के बाद, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, गांव में पढ़ने वाले बच्चे को 10 अंक फालतू देने का काम आपकी पार्टी करेगी। और इसके साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा, बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिनमें एक घर में 15-15 सरकारी नौकरियां हैं, और बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिनमें आज तक एक रोजगार नहीं है। साथियों, जिस घर में रोजगार नहीं है, ये वादा मेरा है राज बढ़ने पर उन लोगों को प्राथमिकता देकर हर घर तक रोजगार पहुंचाने की व्यवस्था आपकी पार्टी करेगी। खट्टर साहब ने तो रोजगार की पर्ची खर्ची की पता नहीं कितनी एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए की उड़ा दी। पत्रकार साथी याद करे कि अगर जुडिशरी का पेपर लीक हुआ तो इस खट्टर साहब की सरकार में हुआ, 1-1 करोड़ में अंबाड़ा बिकता हुआ पकड़ा गया। साथियों, नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी के अंदर 2.5 लाख में बिकता हुआ पाया गया। एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा करी जा रही है, दूसरे के ऊपर FIR होके आज जेल में बंद है। 6 दिन पहले गुड़गांव निगम की 120 पन्नों की रिपोर्ट आई, उसके अंदर लिखा हुआ है कि MP MLA की सिफारिश से अगर आप लोग आओगे तो निकम में ठेकेदारी प्रथा में आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
फिर पर्ची और खर्ची कड़े रहेगी। साथियों, आज खट्टर साहब का काम देखो कि हमारे हरियाणा का बच्चा जिसने बीटेक करी हुई उसको खेल लगाया ग्रुप डी में चपड़ासी, और गुजरात का बच्चा जिसने भी बीटेक करी हुई उसको खेल लगाया एसडीओ इलेक्ट्रिकल। खट्टर साहब, ये भेदभाव क्यों? हरियाणा प्रदेश की धरती पर जब रोजगार, हमारी धरती उनने ली, हमारा बिजली पानी आज उन फैक्ट्रियों में चलता है, तो नौकरियों में हमारा अधिकार क्यों नहीं? अरे सरकारी में तो दे सकते थे। जहाँ एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आउट हुई तो 78 बच्चे हरियाणा के बाहर के लगाए। एक पत्रकार साथी ने मुख्यमंत्री से पूछ लिया, मुख्यमंत्री जी ये दो ही हरियाणा के क्यों लगे? कहते ये तो हमने 2017 में पॉलिसी बनाई थी। तो साथियों, इसका मतलब तो गुजरात मॉडल की प्लानिंग 2017 से खट्टर साहब ने कर दी। और धीरे धीरे जहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे रोजगार छिन गए, आज गुड़गांव देखो 17 लाख नौकरियां, हरियाणा की हिस्सेदारी 3-3.5 लाख। साथियों, ये वादा मेरा आप लोगों को है, एक एक पढ़े लिखे युवा को है कि मेहनत करो, अगले 29 दिन राज बनाओ, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर नौकरी में 75% का अधिकार आपको हरियाणा के बच्चों को देने का हम काम करेंगे। जहां कर्मचारी साथियों की मांगे थी, मैं अभी गैस टीचर के धरने पे जाके आया, उससे पहले कंप्यूटर टीचर मेरे से आके मिले, मैंने स्वयं अलग अलग जगह रोडवेज के हो, बिजली विभाग के हो, सफाई हो, होमगार्ड हो, अलग अलग कर्मचारियों से चर्चा भी करी। मगर साथियों, 5 साल में खट्टर साहब ने केवल मात्र झूठ के पुलिंदों को छोड़कर कर्मचारियों के भविष्य के बारे में एक कदम उठाने का काम नहीं किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे झूठ बोला कि हमने गैस टीचरों की, लैब अटेंडेंटों की तनख्वाह में वृद्धि कर दी। साथियों, ये तो मनोहर झूठ की सरकार है, खुलकर झूठ बोलने का काम करती है। मगर मैं कर्मचारी साथियों से आग्रह करूंगा कि साथियों, अपनी लड़ाई के लिए एक हो जाओ। अगर बीजेपी से लड़ना है तो न्यू अलग अलग धरने पे बैठे काम नहीं चलेगा। जननायक जनता पार्टी की ओर से वादा करता हूं, अगर कोई भी कर्मचारी संगठन सबको साथ लेकर करनाल विधानसभा से चुनाव मुख्यमंत्री के सामने लड़ना चाहेगा तो जेजेपी तन मन और धन के साथ उसका समर्थन कर वहां चुनाव लड़वाएगी। और जहां कर्मचारियों की बात, आज सारे कर्मचारी परेशान है कांग्रेस की कुनीतियों से और बीजेपी के झूठे वादों से। मैंने तो 9 दिसंबर को जींद के अंदर भी एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को, जहां हम दोबारा इस प्रदेश में जो कि त्यों लागू करने का काम करेंगे, वही तमाम हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी साथियों के लिए पंजाब के बराबर वेतन देने का भी काम साथ में करने का काम करेंगे। मगर एक वर्ग है जिस वर्ग को आज तक किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, और भाई हमारे सेवा दल वालों की भी हम थोड़ी तो बात सुन लेते हैं। सेवा दल के अंदर 2 सरपंच है और दोनों ने जननायक सेवा दल की तरफ से एक मांग रखी है, भाई सरकार कहती है हम पेंशन बांध देंगे सरपंचों को, तो पेंशन से तो सरपंची का टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर कोई 2 रुपए उसके घर में रहने का जुगाड़ होगा। मगर आज के दिन समस्या क्या है, गांव में भैंस चोरी हो जाती है तो भी हाथ पकड़ कर कहते हैं कि सरपंच साहब चलो थाने भैंस की रिपोर्ट लिखा के आनी है। कोई छोटा तहसील में काम होता है तो कहते हैं सरपंच साहब चलो तहसील चलते हैं। मगर किसी सरपंच की आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वो 3,000 रुपये प्रतिमाह के अंदर जाकर हर रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
या चंडीगढ़ में जाकर अपने गांव की समस्याओं की फाइलों को क्लियर करा कर आएगा। इसलिए आज हम ये निर्णय लेते हैं, जैसे चौधरी देवीलाल ने ग्रामीण अंचल के अंदर, चाहे वो नंबरदारी की बात आई हो, चाहे चौपालों की बात आई हो, बराबर हिस्सेदारी देने का हर वर्ग को काम किया था। ये वादा आज हम करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी की सरकार बनने के बाद हर सरपंच को जहां आज 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, प्रतिमा 8,000 रुपये मिनिमम वेज के बराबर तनख्वाह देने का काम करेंगे। हर मेंबर को जहां आज 1,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको 3,000 रुपये तनख्वाह देने का काम करेंगे। हर जिला परिषद के साथी को जहां आज 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, क्योंकि जिला परिषद में गांव ज्यादा होते हैं, उसको 10,000 रुपये तनख्वाह देने का काम करेंगे। और जहां ब्लॉक समिति के मेंबर की बात है, आज 1,650-1,650 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको 4,000 रुपये तनख्वाह देने की बात करेंगे। मगर साथियों, एक चीज और कहना चाहूंगा इन पंचायती राज के साथियों के लिए कि मैंने कई बार हरियाणा रोडवेज में सफर करने का काम किया है, और हरियाणा रोडवेज में सीट नंबर 13 और 14 के आगे लिखा होता है कि एमपी और एमएलए। शायद एमपी एमएलए तो बैठते ना हो, क्योंकि आज सबके पास गाड़ियां हैं, मगर आज हमारे सरपंचों को, मेंबरों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरों को हर रोज बस में जाना पड़ता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़े। इसलिए ये फैसला हम सब मिलकर करते हैं कि जेजेपी की सरकार बनने पर पंचायती राज विभाग के अंदर जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा, अपने गृह जिले के अंदर आने जाने के लिए रोडवेज का सफर उसके लिए पूरी तौर पर माफ करने का काम करेंगे। साथियों, एक चीज जरूर और बोलना चाहूंगा, बीजेपी वाले कोई भी बात होती है अगर उनके विरोध में जाती है तो बारी बारी कह देते हैं भारत माता की जय। खट्टर साहब ने फरसा यूं घुमाया और घुमा के उसको कहा, दादे को, हमारे को, भारद्वाज जी को, कि भाई तेरी गर्दन काट दूंगा, और फिर गर्दन न्यू सीधी करके कहता भारत माता की। तो मैं उस पे जरूर कुछ बोलना चाहूंगा, हरियाणा को लुटाकर खोया, फिर भी कह दो भारत माता की जय। 80-80 लोगों का खून बहाओ, फिर भी कह दो भारत माता की जय। फिर कहकर भारत माता की जय, हरियाणा की बिजली पानी को दिल्ली की ओर रवाना कर दो, फिर भी कह दो भारत माता की जय। मगर अब हम बोलेंगे भारत माता की, भारत के किसान की, सीमा पर खड़े जवान की, भारत के नौजवान की। और साथियों, अंत में बोलूंगा, ये जुमलेबाजों से, इन झूठ बोलने वाजों से, इन साथियों से, इन झूठे पाखंडियों से, जैसे हम कह रहे थे कि भारत माता की जय, भारत के किसान की जय, सीमा पर खड़े जवान की जय, युवा नौजवान की जय, साथियों इन झूठे पाखंडियों की 21 अक्टूबर को बुला दो भय, इनको कर दो प्रदेश से बाहर। और अंत में एक नारा जरूर मेरे साथ लगाने का काम करो, और साथियों इस नारे के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करो कि किसान कमेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। 3 बार इस नारे को मेरे साथ लगाओ हाथ उठाकर, किसान कमेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। किसान कमेरे आगे बढ़, किसान कमेरे आगे बढ़। आप सब आए, तमाम साथियों का, खास तौर पर रोहतक जिले की हमारी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और आप सब से यही निवेदन करता हूँ कि परमात्मा का नाम लेकर तमाम साथी अगले 29 दिन रात एक करने का काम करें। आप सब आए, आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक वोट।